हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वो वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ लेक्चर नंबर टू ऑफ ऑडिटिंग और इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग जो होते हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे इम्पोर्टेंट है और ऑडिटिंग के लिए मैंने आपको बताया कि हम बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इसके अंदर नहीं रहेंगे पांच छह लेक्चर्स के अंदर मेरी कोशिश रहेगी मैक्सिमम पांच छह लेक्चर्स के अंदर कि मैं जितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम कवर uh, कर दें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग आई एल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट वगैरह का क्या प्रोसीजर रहता है ऑडिटर्स का वो हम डिस्कस करेंगे ओके okay? एंड इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पीडीएफ फाइल्स के अंदर भी मिल जाएगा एंड एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स के लिए अगर आप जाते हो जिसमें आईआरएल सोशल सिक्योरिटी गैप के एम हैं इसके अंदर भी आपके पास पी फाइल्स रहते हैं तो अगर आप एम कॉम्बो कोर्स ले रहे हो तो आपको फिर जो है पी फाइल्स के लिए सब्सक्रिप्शन अलग से लेने की जरूरत नहीं है एंड फिफ्टी ऑफ है यूजिंग द कोड यू पी ओके सो लेटस्ट नाउ क्विकली स्टार्ट और ये जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं जिनको हमने समझना है हमारे एग्जाम परपज से इसमें आपका स्टैटुटरी ऑडिट आ जाता है इंटरनल ऑडिट आ गया सेक्रेटेरियल ऑडिट हो गया कॉस्ट ऑडिट टैक्स ऑडिट बैंक ऑडिट कॉपरेटिव ऑडिट पार्टनरशिप फर्म ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट प्रॉपर्टी ऑडिट एफिशिएंसी ऑडिट जो मेजर हैं जो मेन है वो ये चार ऑडिट हैं जिनके बारे में हमें मेजरली समझना है बाकी तो छोटी छोटे हैं ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा स्टेटुटरी इंटरनल सेक्रेटेरियल और कॉस्ट ऑडिट ये मेजरली इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझने हैं स्टार्ट करेंगे स्टेटुटरी ऑडिट से स्टेटूटरी so, से uh, आपको टर्म से कुछ एक आइडिया लगता होगा कि बेसिकली ये वो ऑडिट है जो बाय लॉ आपको कंडक्ट करना होता है ठीक है लीगल रिक्वायरमेंट है इस लॉ uh, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडिट को कंडक्ट कराना ठीक है तो अगर कानून ने बोला है कि हाँ भाई ये 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 कंपनीज हैं या ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको ऑडिट कराना है तो वो उनके ऊपर एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो गई और इसीलिए हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट ओके क्या टर्म यूज करते हैं स्टेटरी ऑडिट नाउ इसको हम फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं अब देखो सीधा एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है दैट वीच अमंग द फॉलोइंग ऑडिट इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ऑडिट ऑप्शंस में दे दे ऑप्शन ए स्टैटूटरी ऑडिट ऑप्शन बी सेक्रेटेरियल ऑडिट ऑप्शन सी कॉस्ट ऑडिट ऑप्शन डी टैक्स ऑडिट तो आप का बन गया ना क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन इसके अंदर से डायरेक्टली आपके निकल करके आते हैं नाउ ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट क्यों होता है क्योंकि ये ऑडिट आपको एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से कंडक्ट कराना होता है या एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर फर्म से कंडक्ट कराना होता है इसका मतलब ये है कि ये जो ऑडिट है ये कंपनी का कोई इंप्लॉय नहीं कंडक्ट करता ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताई थी कि कंपनी के इम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये ऑडिट कंडक्ट करना ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो है ऑडिट कंडक्ट करेगा ताकि एक इंडिपेंडेंट व्यू के साथ बिना किसी बायसनेस के ऑडिट कंडक्ट किया जा सके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या वो ट्रूली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजिशन और वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपके स्टैट्यूटरी uh, ऑडिट audit और ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन uh, है अब जैसे सेक्शन 139 थर्टी है कंपनीज एक्ट का सेक्शन ऐसा आपको याद करने की जरूरत नहीं है तो ये सेक्शन के अंदर क्या लिखा है कि जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होएगी ना हर कंपनी की उसके अंदर वो एक इंडिविजुअल को या किसी फर्म को एज ऑडिटर अपॉइंट करेंगे ठीक है एंड ये जो पर्टिकुलर पर्सन है दे विल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग यानी कि ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर मीटिंग के एंड से लेकर के टिल द कंक्लूजन ऑफ द दिक्स एनुअल जनरल मीटिंग तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन से सिक्स एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि पांच साल ठीक है पांच साल के लिए बेसिकली ऑडिट एक इंडिविजुअल को एज अ ऑडिटर या एक फर्म को एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी जो है वो Uh, काम दिया जाता है कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करने का हालांकि ये पांच साल के बीच में भी इनको चेंज किया जा सकता है उससे उसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड प्रोविजन है uh, कि आप किस पर्टिकुलर पर्सन को ऑडिटर बना सकते हो मेरे, मेरे को ऑडिटर नहीं बना सकते ठीक है अगर आप भी सी ए नहीं हो तो आपको भी ऑडिटर नहीं बना सकते तो ऑडिटर बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए बंदा अगर एक इंडिविजुअल को आप ऑडिटर बना रहे हो अगर आप किसी फर्म को ऑडिटिंग का अपना काम दे रहे हो तो उस फर्म के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टनर्स हैं ठीक है फर्म के अंदर मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं ना तो मेजॉरिटी जो पार्टनर्स हैं ज्यादातर पार्टनर्स जो हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए एज सी तभी आप उस फर्म को ऑडिटिंग का आ, काम दे सकते हो अब ऐसा है ना किसी फर्म के अंदर पांच बंदे हैं पार्टनर उनमें से सिर्फ एक सीए है तो क्या उस कंपनी को आप एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो नहीं क्योंकि मेजोरिटी पार्टनर ऑडिटर नहीं है ओके अब स्टेट्यूटरी ऑडिट के अंदर सेक्शन वन थ्री अगेन कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं सेक्शंस याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा मैं आपको बता दूंगा तो सेक्शन 143 के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर ही पावर्स एंड ड्यूटीज भी गिवन है ऑडिटर की अब आप कहोगे सर सेक्शन नहीं याद करना है तो क्यों बता रहे हो क्योंकि अगर वो इस टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंपनीज़ एक्ट के अंदर ये ये प्रोविजन है क्या ऑडिटर से रिलेटेड तो आप आंसर कर पाओ तो पावर्स एंड ड्यूटीज गिवन है ऑडिटर की जो एक स्टेटरी ऑडिटर को परफॉर्म करनी है ठीक है और ये क्या बोलता है सेक्शन की जो ऑडिटर है उसको रिपोर्ट जो है कंपनी के मेम्बर्स को देनी है रिलेटेड टू द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो एग्जामिन कर रहा है अब जो मेन प्रोविजंस होते हैं स्टेटरी ऑडिट के वो क्या हैं कि ऑडिटर के पास एक्सेस होना चाहिए सभी बुक ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स का या वो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है किसी भी ऑफिसर से कंपनी के तो ही इज़ एंटाइटल टू गेट दैट इंफॉर्मेशन आप उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं डी डिनाई कर सकते जो वो रिपोर्ट बनाएगा ऑडिटर उसमें आ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में वो बताएगा कि क्या वो ट्रू है क्या वो कंपनी की फेयर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है अगर रिपोर्ट के अंदर उसकी कोई रिजर्वेशन है उसको कोई कमियां दिखती है जिसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है तो अगर क्वालिफिकेशन है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो वो उन क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करेगा और उसका रीजन भी देगा ठीक है जी उसके बाद ऑडिटर को जो भी ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो टाइम टू टाइम सरकार पब्लिश करती है उनको फुलफिल करना है अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी दिखती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इमिजिएटली रिपोर्ट करना है तो ये स्टेटुटरी ऑडिटर ऑडिट के मेन प्रोविजन होते हैं के 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 बाद next आ जाता है 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 आपका अब internal जैसे लिए लिए तो आप एक independent person को हायर कर रहे हो ऐसा नहीं होता ठीक जो है वो company के ही लोग कंडक्ट करते हैं लेकिन इसका प्रोविजन भी आपको कंपनीज एक्ट के अंदर मिल जाता है ठीक है कंपनीज एक्ट कुछ कंपनीज के ऊपर या कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर ये रिक्वायरमेंट भी लगाती है कि डेफिनेटली आपको इंटरनल ऑडिटर रखना ही रखना है सब कंपनीज के ऊपर नहीं होता बट कुछ क्लास ऑफ कंपनीज वो डिपेंड करता है टर्न वगैरह के ऊपर ठीक है किस टाइप के फंक्शन या एक्टिविटीज में कंपनी इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे आ, कंपनीज एक्ट में या सरकार जो है टाइम टू टाइम बता सकती है कि इन कंपनीज को इंटरनल ऑडिट कराना जरूरी है ठीक है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या किसी और प्रोफेशनल को आप अपॉइंट कर सकते हो एज ए इंटरनल ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ सी को अपॉइंट किया जा सकता है जी अब आपके कुछ रूल्स हैं जो पब्लिश uh, किए हैं uh, सरकार ने और इन रूल्स के हिसाब से किन कंपनीज को uh, जो है इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी है ठीक है किन को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है तो हर वो कंपनी जो लिस्टेड है लिस्टेड कंपनी यानी कि जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है उनको इंटरनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिटर का उनके ऊपर एक कंपल्शन है ठीक है उनको हायर करना ही करना है और अनलिस्टेड कंपनीज के केस में अनलिस्टेड कंपनीज के केस में वो कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो पचास करोड़ या उससे ज़्यादा की है पिछले फाइनेंशियल ईयर में ठीक है या फिर टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा का है पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिर जो लोन्स एंड बोरोइंग्स हैं वेरियस बैंक्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है पिछले एक साल के अंदर या फिर आउटस्टैंडिंग जो डिपॉजिट्स हैं एक कंपनी के पास दैट इज ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीस और मोर तो इस केस में अगर कंपनी अनलिस्टेड भी है तब भी उनको जो है इंटरनल ऑडिट करवाना होगा इंटरनल ऑडिटर हायर करना होगा ठीक है ये याद रखने डायरेक्टली पेपर के अंदर आ सकते हैं उसके बाद वो प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा का है फाइनेंशियल ईयर में या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ये सारी वो कंपनीज है जिनको इंटरनल ऑडिटर को नेसेसरली हायर करना है इंटरनल ऑडिट का पर्पज क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपसे डिस्कस कर लिया था ये जो ऑडिटिंग के लेक्चर्स है ना ये बहुत क्विकली मैं चला रहा हूँ और इनका पर्पज यही है कि ये लास्ट के दस दिन में आपके पाँच छह लेक्चर हो जाए तो आपका ऑडिटिंग अच्छा खासा कवर हो जाएगा नेक्स्ट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्रेटेरियल ऑडिट बेसिकली क्या करता है ये इसमें ऑडिटर का क्या काम होता है वो ये देखता है कि कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो जो वेरियस कानून बने हुए हैं लॉज बने हुए हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम टू टाइम पब्लिश हो रहे हैं ठीक है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं ठीक है लॉ रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स जो में रेगुलेशन वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कंडक्ट करता है और इसके पीछे रीजन यही है कि लीगली आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है अब इसके अंदर ये सेक्रेटेरियल ऑडिट सीए नहीं करता ये सीएस करता है आपने सुनी होगी एक पोस्ट होती है कंपनी सेक्रेटरी ठीक है वो इसको कंडक्ट करेगा और ये बेसिकली कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट नाइनटीन एट्टी के अंडर जो है प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरीज का जो है सारा फंक्शनिंग होती है और ये कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर किया जाता है ताकि कंपनी जो है करेक्टिव मेजर्स ले सके अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है कॉम्पलियंस मैकेनिज्म प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो वो उससे कंप्लाई कर सकें सेक्रेटेरियल ऑडिट से रिलेटेड भी आपको कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन दिख जाएगा पहले तो ये कंपलसरी नहीं होता था लेकिन अब कंपनीज uh, एक्ट बोलता है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है या सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज जैसे टेलीकॉम वगैरह उसमें सेक्रेटेरियल uh, ऑडिट कराना कंपलसरी होगा सेक्रेटेरियल ऑडिट एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंडक्ट कर सकता है और रही बात इस कंपनी सेक्रेटरी के राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस की तो ये सारी सिमिलर होंगी जैसे एक सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर अपॉइंटेड एक ऑडिटर की होती है वही सेम राइट्स ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस एक कंपनी सेक्रेटरी की भी होंगी ठीक है तो सेक्रेटेरियल ऑडिट आपका क्या हो गया बेसिकली कि लॉज और सब कुछ कम, उनसे आप फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है कंपनी और कौन कंडक्ट करता है कंपनी सेक्रेटरी कंडक्ट करता है नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ जो कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर आपके कॉस्ट अकाउंट्स कॉस्ट रिपोर्ट्स कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट डाटा कॉस्ट टेक्निक्स ये सब आ जाता है तो ये कॉस्ट अकाउंट्स की वेरिफिकेशन के लिए होता है और इससे बेसिकली कंपनी को पता चल जाता है कि वो जो उसके खर्चे हो रहे हैं वो प्रॉपर प्लान और प्रोसीजर को फॉलो करके हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अब अगर हम कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो इसके भी प्रोविजंस आपको जो है आपके कंपनीज एक्ट के अंदर मिलते हैं ओके okay, तो इसके अंदर भी सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज होती हैं जो स्पेशली गुड्स प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं तो सरकार टाइम टू टाइम बताएगी कि, कि किन कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है उसमें वो टर्न ओवर नेटवर्क वगैरह सब कंसिडर कर सकते हैं ओके okay, एंड इसको कंडक्ट कौन करता है इसको कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्ट करेगा ओके कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए एंड कंपनी की ये ड्यूटी होगी कि वो कॉस्ट ऑडिटर को पूरे के पूरे सपोर्ट करें जो भी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन राइट्स ड्यूटीज होती हैं वो सब सेम होती हैं एज जैसे आपके स्टेटूटरी ऑडिटर के केस में होती हैं कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होती है और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रिपोर्ट विद इन नेक्स्ट थर्टी डेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देंगे ओके नेक्स्ट आ जाता है आपका टैक्स ऑडिट अब देखो टैक्स ऑडिट बेसिकली क्या होता है

सो so, और कई केसेस में टैक्स ऑडिट जो वेरियस डिडक्शन आप क्लेम करते हो टैक्स अथॉरिटीज से या वेरियस एक्जें्पन्स जो क्लेम करते हो तो वो डिडक्शन और एक्जें्पन्स क्लेम करने के लिए भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है करंटली अगर हम बात करें तो हर वो व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर जिसका बिजनेस टर्नओवर जैसे सोल प्रोपराइटर वगैरह हो सकते हैं अगर बिजनेस टर्नओवर ओवर एक लाख रुपए से ऊपर है ठीक है या एक इंडिविजुअल की जो इनकम है एक लाख रुपए से एक करोड़ रुपए से ऊपर है सालाना या एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का पच्चीस लाख रुपए से ऊपर अगर का टर्नओवर है तो उनको फिर अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स इसीलिए इसको टैक्स ऑडिट कहते हैं बैंक ऑडिट बैंक्स देखो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और बैंक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर तो हर साल बैंक्स को भी अपना ऑडिट कराना होता है और बैंक्स का जो ऑडिट होता है ना वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता वो मेनली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फोर्टी नाइन के अंडर होता है कुछ प्रोविजन कंपनीज एक्ट के भी इसके ऊपर लागू होते हैं पर जो पेरेंट मेन एक्ट है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब जैसे आपके कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इंडिया के अंदर तो हिंदुस्तान में कानून बोलता है कि कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को भी अपना ऑडिट जो है वो कराना है अब कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है जैसे जो कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड है बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें तो हाईली ट्रेंड मैनेजर्स होते हैं टेक्निकल स्किल्स अकाउंटिंग स्किल्स सब होते हैं लेकिन कॉपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, दे आर ऑफन मैनेज बाय पर्सन जिनके पास इस टाइप के टेक्निकल स्किल्स या मैनेजरियल स्किल्स नहीं होते तो जो फाइनेंशियल ऑडिटर है ना कॉपरेटिव सोसाइटी का उनको ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ऑडिट करना होता है कॉपरेटिव सोसाइटीज को पार्टनरशिप फर्म ऑडिट तो पार्टनरशिप एक्ट देखो 1932 इसमें तो कोई कंपलसरी ऑडिटिंग का प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर कंपनीज एक्ट के अंदर जो लिस्टेड है जैसे इनकम वाला ही लगा लो एक करोड़ से ऊपर अगर है तो उस केस में इनको भी अपना ऑडिट जो है वो कराना पड़ता है या इनकम टैक्स के प्रोविजन के अंदर आपको जो है अपना ऑडिट कराना पड़ता है गवर्नमेंट ऑडिट बेसिकली ये गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट का जब आप ऑडिट कर रहे हो कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो वेरियस ट्रांजेक्शन हो रही हैं क्या वो प्रॉपरली हो रही हैं प्रॉपर जिनके पास अथॉरिटी है ट्रांजेक्शन करने का उनके अप्रूवल से ही हो रही है पैसा लीक तो नहीं हो रहा और ये मेनली ड्यूटी होती है सी की जो सरकार के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को देखता है साथ ही साथ जो वेरियस गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका ऑडिट भी सी करता है आपका एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ थर्टीन ओके okay, फिर ये नेक्स्ट आ जाता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट ये एक ऑडिट यहां पर आपका है मैनेजमेंट ऑडिट ये गवर्नमेंट ऑडिट के बाद मैनेजमेंट ऑडिट आ जाता है तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये इमर्जिंग कंसेप्ट है और अमेरिका के अंदर ओरिजिनेट हुआ है मैनेजमेंट ऑडिट अगेन इसमें कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी आप हायर कर सकते हो और ये कोई मैंडेटरी ऑडिट नहीं है ये कोई कंपनीज एक्ट मैंडेटरी नहीं बोलता मैनेजमेंट ऑडिट होता है बेसिकली आप एक एक्सपोर्ट को लेकर के आते हो और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरियस एक्टिविटीज हो रही हैं वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इवेल्युएट करता है और फिर वो मैनेजमेंट को सजेशन प्रोवाइड करता है इंप्रूवमेंट के कि कहां पर इंप्रूवमेंट की जा सकती है जैसे प्रोडक्शन में कहां पर इंप्रूवमेंट की जा सकती है फाइनेंस में डिसीजन मेकिंग में कहा पर इंप्रूवमेंट की जा सकती है तो ये कोई स्टेटुटरी uh, ऑडिट नहीं है कोई कंपल्सरी ऑडिट नहीं है बट दिस इज मेनली डन बाय द मैनेजमेंट ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशेंसी को एक तरीके से इंप्रूव किया जा सके प्रोप्रिटी ऑडिट बेसिकली कोहलर नाम के एक पर्सन है वो इस कंसेप्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑडिट क्यों कंडक्ट किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि पब्लिक इंटरेस्ट स्पेसिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा जो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स हैं जो लॉ है जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं जो वेरियस रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और ये प्रोप्राइटी ऑडिट स्पेसिफिकली कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट कंपनीज़ के केस में उसका रीज़न क्या है क्योंकि इसके अंदर पब्लिक का पैसा और पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है तो आपको लगेगा कि यार सर ये तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है सेक्रेटेरियल ऑडिट से हाँ सिमिलैरिटी है बट प्रॉपर्टी ऑडिट स्पेसिफिकली जो है हम गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कंडक्ट करते हैं एफिशिएंसी ऑडिट ये बेसिकली देखने के लिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही है उसमें अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छे से वो यूज कर रही है जो इनपुट है जैसे रॉ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छे से यूज कर रही है कहाँ पर कमी है और उन कमियों को कैसे ठीक किया जा सकता है अगेन कोई मैंडेटरी ऑडिट नहीं है ये बट कंपनीज अपनी एफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए ये ऑडिट जो है कंडक्ट करते हैं ओके सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट अच्छा यहाँ पर लिस्ट में ना हमने एक मैनेजमेंट ऑडिट नहीं लिखा था तो टोटल तो तो ये बारह टाइप ऑफ ऑडिट हमने किया ओके, okay. right. और इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो एंड दिस इज इट अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑडिटर्स के बारे में पढ़ेंगे आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा एंड कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो प्लीज डू कमेंट या व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी करना है करें ऑलराइट right. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय